माय नेम इज़ नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी सेवइयाँ। बहुत ही आराम से आसानी से ये बनता है, ये बिगनर्स भी बना सकते हैं और हम भी बना सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत कुकिंग आती है। तो आइए देखते हैं कि ये मीठी सेवइयाँ कैसे बनती हैं। सेवई हमने रोस्टेड सेवई ली है मार्केट से, इसको वर्मी सिली भी बोलते हैं। और अगर आपका सेवई रोस्टेड नहीं है तो आप उसको पैन में हल्के आंच पे हल्का सा सुनहरा होने तक भुनें। इसके लिए चाहिए चीनी, हमने एक छोटा कप लिया है। ड्राई फ्रूट्स में लिया है किशमिश, चिरौंजी, बादाम, काजू, खरबूजे के बीज यानी मस्क मेलन सीड, और चाहिए हमें इलायची पाउडर अ पिंच, गुलाब जल या केवड़ा वाटर, और चाहिए फुल क्रीम दूध। हमने यहाँ पे तकरीबन आधा लीटर दूध ले रखा है। डाल लेंगे, क्योंकि हमारी वर्मिसली पहले से भुनी हुई है, इसको हम डालेंगे पैन में और हल्का सा गर्म करेंगे हम, और इसमें डालेंगे हम दूध। इसको हम देंगे एक अच्छा सा मिक्स और इसको उबाल आने देंगे अच्छे से, और ध्यान रखेंगे कि हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया हमारे दूध को और हम इसको चलाते रहेंगे। अब जब वर्मिसेली दूध के साथ पकता है तो वो और ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, या दूध हमारा जब तक गाढ़ा नहीं होता है तब तक हम पकाएंगे। ये देखिए हमारा थोड़ा सा ये जो सेवई है ये अब गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और ये जो साइड के हैं मलाई इसको भी हम हटाते रहेंगे, हम मलाई नहीं जमने देंगे इस कॉर्नर्स में। 2-3 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश, थोड़े काजू, चिरौंजी और बादाम, मस्क मेलन के सीड। आप ड्राई फ्रूट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ड्राई फ्रूट्स जब थोड़े पक जाते हैं सेवइयों के साथ तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देते हैं। इसको अब हम और पकने देंगे, थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। देखिए काफी गाढ़ा हो गया है हमारा और हमारी सेवइयां खूब अच्छे से पक चुकी हैं। इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर। आप इसमें केसर भी जो है गुनगुने दूध में मिला करके डाल सकते हैं, उससे अच्छा कलर आएगा। और अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप फूड कलर भी कोई भी हल्का सा दूध में मिक्स करके इसमें मिला सकते हैं। बट हमने यहाँ कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फूड कलर यूज नहीं किया है। फ्लेवर देने के लिए इलायची और गुलाब जल डालेंगे हम और इसको सारी चीजों को फिर से मिक्स करेंगे। और ये बन चुकी है और इसको हम निकाल लेंगे और सेवइयों को अब हम गार्निश करेंगे कुछ एलमंड फ्लेक्स के साथ, कुछ चिरौंजी के साथ, कुछ मस्क मेलन सीड्स के साथ, काजू के टुकड़ों के साथ, पिस्ता भी ब्लांच करके डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी मीठी मीठी सेवइयां इज रेडी। देखा कितना इजी है बनने में और खाने में उतना ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी। देखा मीठी सेवइयां कितनी आसानी से हमने बनाया, बहुत ही हेल्दी है। थोड़ा शुगर की मात्रा कम रखें तो इसको आसानी से खाया जा सकता है। फंक्शंस में बनाइए, त्यौहार पे बनाइए, जब भी बनाइए इसको तो प्यार से खिलाइए, अपने खाइए, दूसरों को खिलाइए। प्यार से जो खिलाया जाए, जो बनाया जाए, उसकी बात ही कुछ और होती है। मैं नलिनी अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।